नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो पे। और मैं कुछ काम कर रहा था तो फोटोशॉप 7.0 में फिनिशिंग में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसे कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना चाहिए अपने को। और कैसे फोटोशॉप 7.0 में फिनिशिंग किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, इस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं। बहुत हार्ड मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझेंगे कि कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ें, वो सब चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर मैं फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। इस फोटो में कोई ख़राबी नहीं है, फोटो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस पर थोड़ा सा काम करूँगा। काम करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इसके कॉपी बना लूँगा डुप्लीकेट करके 001 नाम से, और इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, ये दो लेयर बन चुके हैं। पीछे वाला जो लेयर है हमारा ओरिजिनल लेयर है, और ये जो है इस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ सबसे पहले, और गर्ल के फेस में थोड़ा मैं जूम करूँगा, और मेरे को जहाँ जहाँ गड़बड़ी नज़र आएगी वहाँ वहाँ मैं इस पर काम करूँगा। जैसे कि यहाँ मुझे गड़बड़ी नज़र आ रही है, इस वाले टूल को करेंगे हीलिंग ब्रश टूल को क्लिक, और इस पर क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, ये जहाँ जहाँ मुझे पिंपल्स नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ मैं इस पर काम करने की कोशिश करता हूँ। अब इस टूल का बेनिफिट क्या है ये देख लेंगे। तो वो जो एक्यूरेट जगह होती है वहाँ पर एक चीज़ ठीक तरीके से काम करता है ये टूल। तो इसको जूम कर लेता हूँ, काफ़ी बारीकी से मैं इसके मैकेनिज्म को समझ चुका हूँ, और इससे काम लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ वहाँ मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, और आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से इस टूल ने काम किया है और कितना इफेक्टिव है ये टूल। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी थोड़ी सी बारीकी से मैं फिनिशिंग कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला टूल लेंगे, और इस टूल की मदद से थोड़ा मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ। जैसे कि ब्रश टूल की मदद से थोड़ा इस पर ये जो चमक है इसकी चमक थोड़ी कम कर देता हूँ। चमक कम करने के लिए यहाँ थोड़ा से मैं थोड़ा सा काम कैसे कर रहा हूँ वो देख लेंगे, आपको सारा मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्या क्या टूल चला रहा हूँ देख लो यहाँ पर, और अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप इस चीज को देखो समझो। पॉसिबल नहीं होता है कि सब चीजें बोल के समझाई जा सके, तो जितनी चीजें पॉसिबल है उतनी चीजें तो मैं क्लियर समझा ही रहा हूँ आप लोगों को। ये चला लिया, टूल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो उस पर देख के भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा सेंस वाली चीज़ नहीं है। ये हो गया, और इसके साथ साथ फिर इधर पे भी गर्ल के फेस में लगभग सारा काम हो चुका है, लगभग हो चुका है शायद से। हाँ, अब बॉय के फेस की बात करते हैं, तो फेस में यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, तो इस वाले टूल की मदद से। अरे सॉरी, आपको चेंजेस आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, तो डिटेलिंग होना जरूरी है फोटो में, लेकिन जहां जरूरत है और जहां हाई फिनिशिंग की बात करते हैं वहां पर आपको ये चीजें ध्यान देनी होती है कि कैसे चीजें काम करेगी। अगर ठीक तरीके से काम नहीं करती है तो आप उसको सही तरीके से डिजाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब आपको बहुत बेहतर अच्छे से वर्क करना पड़ता है तब आप उस चीज को अच्छा कर पाएंगे। मतलब जितना बारीकी से फिनिशिंग करेंगे उतना बढ़िया डिजाइनिंग होगी, और किसी भी काम को धैर्य पूर्वक करेंगे तो आप आसानी से उस चीज़ के मैकेनिज्म को सॉल्व कर पाएंगे। अभी फिलहाल देखते हैं, और यहाँ से इसे घटा देते हैं थोड़ा,
जहाँ से मैं जहाँ मुझे जरूरत महसूस हो रही है वहाँ वहाँ मैं काम कर दे रहा हूँ। ये हो गया। और उसके अलावा इधर पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आ रही है आप लोगों को। इस गड़बड़ी को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझेंगे तो आपको क्या क्या टूल चला रहा हूँ कैसे कैसे चला रहा हूँ सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है। अब इसके मैकेनिज्म समझ लिए और जहां जहां पिंपल्स हैं थोड़े उस उसको मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ। ये हो गया। और इधर गर्दन पर कोई गड़बड़ी नहीं, जहां गड़बड़ी थी उसको हमने फिक्स कर लिया। ये हो गया। अब ये फोटो कंप्लीटली तैयार है। अब इसको थोड़ा सा आप कंपेयर करके देखेंगे पहले और अब में अंतर कहाँ है और क्या है। तो ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे तो पहले फोटो किस तरीके से थी उसको समझ लेंगे और अभी फोटो का क्या लुक हो चुका है उसको समझ लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ये सफिशियंट है। और अब आप देखेंगे पहले कुछ ऐसा था अब कुछ ऐसा है। देखेंगे ये जो पिम्पल्स है कहाँ कहाँ है, इसको मैंने रिमूव किया है, किस चीज पार्ट को रिमूव किया है, उसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी इसमें गड़बड़ी थी और अभी कैसे ठीक हो गया, फिक्स हो चुका है। इसके बाद में भी बहुत अल्टरनेटिव फिल्टर्स उसमें चला सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर फिल्टर्स तो नहीं चलाऊंगा, फिल्टर्स चला लेता हूँ। क्या चलाऊंगा वो बता देता हूँ आपको। इधर पर आना, इमेज एडजस्टमेंट लेवल, और लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ठीक है। और यहाँ से ये हो गया। और कंट्रोल बी के साथ में कलर बैलेंस कर लेंगे इसको थोड़ा हल्का फुल्का। और कर्व थोड़ा सा यूज कर लेंगे कंट्रोल एम के साथ में और इसको थोड़ा कम कर लेंगे ठीक है। ये हो गया। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा इधर पे बालों को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, उसके लिए ये चला लेते हैं लगभग 5% के आसपास। अब आप देखेंगे पहले फोटो कुछ इस तरीके से थी अब इस तरीके से बन के आ गई। और इसमें आप थोड़ा फिल्टर चला लेते हैं, पेड फिल्टर्स होते हैं ये सब। देखेंगे आप पेड फिल्टर्स अगर चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। ये देखेंगे और इधर वन क्लिक करना है और ये ओके क्लिक कर दूंगा। और यहाँ थोड़ा सा नेट इमेज का फिल्टर चला लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती कुछ भी तो आप मुझे बोल सकेंगे कि प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बता दूंगा। जैसे ही आप इस पर काम करेंगे थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है फोटो के हिसाब से अगर, तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही हो, अपने सुविधा अनुसार इसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ से इसको लगभग 20% 15-16% या 20% रख सकते हैं। अब आप देखेंगे पहले फोटो कैसी थी और अब कैसी, डिटेलिंग भी है सब कुछ है लेकिन हाई फिनिशिंग के हिसाब से बहुत ही प्रीमियम तरीके से फोटो काम करती है। और आपने देखा कि इस फोटो को जहाँ जहाँ पिंपल्स है, दाग है और निशान है, उसको हमने कैसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में चीज़ों को कर पाया। अगर आप चाहें तो सिलेक्शन टूल का यूज़ करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं। इस फोटो में खराबी थोड़ी है, बढ़िया तो डिटेलिंग दिख रही है, लेकिन इस फोटो में भी कोई खराबी नहीं, इसमें भी सब कुछ बढ़िया आ रहा है। तो डिज़ाइन ये ओरिजिनलिटी है, लेकिन जब डिज़ाइन करते हैं तो आपको थोड़ा सा ओवर चीज़ों को करना पड़ता है ताकि उस चीज़ को आप लोग सही वे में बना सको, डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर कर सको, इम्प्रूवमेंट कर सको, ताकि आप लोगों की जो डिज़ाइन है वो बढ़िया से बढ़िया लगे और बेस्ट से बेस्ट बना पाओगे। तो उम्मीद है
कि आप लोगों के ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि चीज़ें कैसे काम करती, फिनिशिंग की और टूल्स की कैसे काम किया मैंने, वो सारी चीज़ आप देखा और समझा होगा। और अच्छा लगा हो ट्यूटोरियल तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 1 लाख पहुँचाओ। 80,000 पहुँच चुके हैं, अब 1 लाख की ज़रूरत है। बाकी बस मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।